मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। 2754 कामगारों को बेटियों की शादी कराई। आपको बता दें, श्रमिकों की बेटियों की शादी कराई सामूहिक विवाह कार्यक्रम में, जहां पर सीएम योगी ने शिरकत की और बेटियों को आशीर्वाद दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। मुरादाबाद में उन्होंने 2754 कामगारों की बेटियों की शादी कराई। मुरादाबाद में ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया गया था, जहां पर सीएम योगी ने शिरकत की और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। आपको बता दें, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने विवाहिता लड़कियों को आशीर्वाद दिया और साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने कोविड में बेहतर काम किया, जिसकी वजह से आज लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में कमी होती गई। तो आपको बता दें, सीएम योगी ने मुरादाबाद में शिरकत की, जहां पर श्रमिकों की बेटियों की शादी की गई। 2754 कामगारों की बेटियों की शादी की गई। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की और बेटियों को आशीर्वाद दिया। और शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शाहनवाज, तो सीएम वहां पर पहुंच चुके हैं, इसके अलावा और क्या क्या प्रोग्राम होने हैं आज? देखिए, अब बिल्कुल अभी कुछ ही देर पहले यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है इन जो नवविवाहित जोड़े उनको संबोधित किया है, उनको आशीर्वाद दिया है। लगभग 2754 जोड़ों की यहाँ पर अभी शादी कराई गई है, जिसमें मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से और जो हिंदू रीति रिवाज और सिख ईसाई चारों समुदाय की बेटियों की यहाँ पर शादी कराई गई है। बड़ी तादाद में उनके जो परिजन हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ अलग अलग सेक्टरों में जो है उनके खाने की व्यवस्था की गई है, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। जिस तरह से ये पूरा पंडाल लगाया गया है, तो इस पे पूरी तरह से देखा जा सकता था। इतना खुशनुमा और इतना खूबसूरत नजारा यहाँ का था कि यहाँ जो लोग आ रहे थे वो बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। तस्वीरों में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लोग हैं वो धीरे धीरे अभी जाना शुरू हो गए हैं, जिसके विवाह हो गए हैं वो यहाँ से फिलहाल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितने नवविवाहित जोड़े थे मुख्यमंत्री ने खुद उनसे आह्वान किया है कि जो यहाँ जिस तरह से उनकी शादी हुई है उसके तुरंत बाद वो यहाँ से खाना खाकर जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में जो है यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी तरफ से जो है खाने का बंदोबस्त किया गया है। चप्पे चप्पे पर अगर सुरक्षा की बात करें, पुलिस फोर्स तैनात की गई है, किसी को असुविधा ना हो, इसलिए जगह जगह जो है प्रशासनिक अधिकारी खड़े हुए हैं। जो नवविवाहित जोड़े हैं उनके परिजन हैं, जैसे ही वो यहाँ आ रहे हैं उनको सूचना दी जा रही है कि उनका किस सेक्टर में शादी होनी है, किस सेक्टर में उनको खाना खाना है और किस कहां पर उनका जो दहेज है, जिस तरह से सामान दिया गया है वो उनको सामान मुहैया कराया जा रहा है। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया है, उन्होंने उनकी खुशहाली के लिए जो है प्रार्थना की है और उन्होंने कहा है कि जितने लोग यहाँ आए हैं वो सब खाना खाकर जाएं और किसी तरह का कोई संकोच महसूस ना करें और वो ऐसा समझे, क्योंकि उनकी शादी में मुख्यमंत्री खुद स्वयं शामिल हो रहे हैं, सूबे के कई मंत्री शामिल हो रहे हैं, सांसद शामिल हो रहे हैं, विधायक शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की शादियां आप बड़े ही सौभाग्य महसूस सौभाग्य आपका सौभाग्य जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो इस तरह से तमाम मंत्री और जिसका निमंत्रण कार्ड भी जिलाधिकारी मुरादाबाद ने लोगों तक पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है इस तरह से सामूहिक विवाह यहाँ कराए गए। जी शहनवाज, इसके अलावा उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया, और क्या प्रोग्राम सीएम के वहां पर है और लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, अब बिल्कुल 225 करोड़ की लगभग यहाँ पर जो है परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद के विकास के लिए वो तमाम तरह के जो है उन्होंने प्रयास किए हैं और वो मुरादाबाद को काफी जो है खूबसूरत मुरादाबाद देखना चाहते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में उन्होंने सराहना की है, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है लगातार यहाँ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यहाँ पर संकेत देखे गए हैं कि मुरादाबाद में और भी बेहतर कुछ ना कुछ होगा, जिस तरह से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि
बदले दिए हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ आज मुख्यमंत्री से मुरादाबाद के लिए मांगा होगा। फिलहाल जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है वो सारी व्यवस्था चाक चौबंद थी, उसके लिए भी जनप्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है सराहना की है। जी जी शहनवाज, इसके अलावा विवाहित जोड़ों में कितना उत्साह देखने को मिला इस वक्त? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर हम पहुंचे थे तो तमाम लगभग 2754 विवाहित जोड़ों का यहाँ विवाह हुआ है, संपन्न हुआ है। और यहाँ जो व्यवस्था है, अगर व्यवस्थाओं की हम बात करें तो खाने से लेकर यहाँ पर मेरक से शहनाई वादक और तमाम तरह के यहाँ पर बैंड बाजों के साथ उनका स्वागत किया गया है। और यहाँ हर तरह की, जिस तरह से घर में शादी होती है उनको ऐसा महसूस ना हो कि उनके घर में उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। तमाम तहसीलों के यहाँ पर जो कर्मचारी है उनको लगाया गया है, जगह जगह यहाँ पर जो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से शादी हुई है उनके लिए यहाँ मौलानाओं की व्यवस्था की गई है, हिंदू रीति रिवाज के लिए पंडितों की, और क्रिश्चियन और एक बौद्ध धर्म के हिसाब से भी यहाँ शादियां हुई है। तो तमाम तरफ के यहाँ पर जो है प्रशासन ने बंदोबस्त कर रखे थे। फिलहाल जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो बेहद खुश है, उनका कहना है, इनके परिजनों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस शादी कराने के लिए धन्यवाद देते हैं। जी जी शहनवाज, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।